अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद आकिब और आज का हमारा चैप्टर वर्ड प्रॉब्लम के बारे में। वर्ड प्रॉब्लम एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें जहन से थोड़ा काम लेना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं और उसके मुताबिक हमें सवाल करना होता है। जिस तरह हमें पहला सवाल ये है कि 5 इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, द रिजल्ट इज 7 लेस देन ट्वाइस द नंबर, व्हाट इज द नंबर। कि अगर 5 को हम किसी नंबर से सेपरेट करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसके ट्वाइस से 7 लेस होगा। हमने ये बताना है कि वो नंबर क्या है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। हम लेट करते हैं जो नंबर है वो x है। क्वेश्चन में कह रहा है कि x से अगर हम 5 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये x के ट्वाइस में से 7 लेस के बराबर होता है। 5 इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सर्टेन नंबर, सर्टेन नंबर में से 5 को सबट्रैक्ट करेंगे, द रिजल्ट इज 7 लेस देन ट्वाइस द नंबर, उस नंबर के ट्वाइस से 7 लेस, इस नंबर के ट्वाइस यानी डबल से 7 लेस हो जाएगा। एक्स को तरफ ले जाएंगे, 7 के तरफ ले जाएंगे, माइनस 5, 7 इधर माइनस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2x। एक्स इधर प्लस हो रहा था उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 7 में से 5 को माइनस करेंगे 2, और 2x में से x को माइनस करेंगे तो x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 2, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। यानी अगर x में से 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसके जो जवाब आएगा उसके ट्वाइस के 7 लेस हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 ऑफ अ सर्टेन नंबर इज 30। कोई नंबर है जिसका 2/5 जो है वो 30 के इक्वल है, हमने ये बताना है वो नंबर क्या है। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 25, 90 या 150। लेट करते हैं नंबर जो है वो x है, 2/5 यानी x का 2/5 जो है ये 30 के इक्वल है। अब x को हम अकेला कर देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 5 इधर डिवाइड और अवसर हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अवसर हो जाएगा तो डिवाइड मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 30 इंटू 5/2, 215 दर और 15 5 दर 75, एक्स की वैल्यू ए आ जाएगी जो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइरा वेट्स 25 पाउंड मोर देन अंबर, इफ टुगेदर दे वेट्स 205 पाउंड, व्हाट इज वेट ऑफ साइरा। कि साइरा का जो वेट है वो 25 पाउंड ज्यादा है अंबर से, और अगर उन दोनों का वेट 205 पाउंड है तो हमने ये बताना है कि साइरा का वेट क्या है। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 105, 115 या 135। सबसे पहले हम लेट करते हैं जो साइरा का वेट है वो x है और जो अंबर का वेट है वो y है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि साइरा का वेट 25 पाउंड ज्यादा है अंबर से, यानी अगर हम साइरा का अंबर को 25 पाउंड ज्यादा वेट करें तो साइरा के वेट की इक्वल आ जाएगी, यानी x इज इक्वल टू y प्लस 25, और इन दोनों का वेट x प्लस y दोनों का वेट जो है वो कितना है 205 पाउंड। यानी अगर हम साइरा के वेट में से अंबर के वेट को माइनस करेंगे तो ये 25 पाउंड बन जाएगा, यानी जो साइरा का वेट ज्यादा है वो 25 पाउंड है, x माइनस y करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, x प्लस y इज इक्वल टू 205 और x माइनस y इज इक्वल टू 25, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 230। 2x 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू आ जाएगी 115, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्मा इज 15 इयर्स ओल्ड, उज्मा जो है 15 साल की उसकी उम्र है, अस्मा इज 1/3 ओल्डर देन उज्मा, कि अस्मा जो है वो 1/3 ओल्डर है उज्मा से, यानी अगर उसकी उज्मा की एज 15 साल है तो अस्मा की एज जो है वो 5 साल उससे बड़ी है, उसकी एज 20 इयर्स हो गई है।
How many years ago when Asma was twice as old as Uzma is? कितने साल पहले Asma की उम्र क्यों थी? Uzma said twice थी. Option A 5, Option B 12, Option C 15 और Option D 10. Let करते हैं. Uzma की उम्र जो है अभी 15 years है और Asma उससे 5 साल बड़ी है. उसकी उम्र 20 years है. Question में ये कह रहा है कि कितने साल पहले जो Asma थी वो Uzma से twice बड़ी थी. 2x is equal to x plus 5. x को इस तरफ लाके माइनस कर देंगे तो x is equal to 5. यानी जिस वक्त Uzma की उम्र 5 साल थी तो Asma जो थी उससे ट्वाइस बड़ी थी. तो अभी उसकी उम्र 15 साल है तो 15 साल में से उसकी जो जिस वक्त की उम्र 5 साल थी उसको माइनस कर देंगे. 15 में से 5 को माइनस करेंगे तो 10. 10 years ago जो Asma थी उसकी एज Uzma से ट्वाइस थी. Next question is if 5 years are added to a man's present age and that age is tripled, he will be 84. कि अगर किसी आदमी की उम्र में हम 5 साल ऐड करें और उसकी 5 साल ऐड करके उसकी एज को ट्रिपल कर दें, he will be 84. तो उसकी जो एज है वो 84 हो जाएगी. ये बताना है what is present age, उसकी अभी की उम्र जो है वो क्या है. 18, 23, 32 या 54. एड करते हैं उसकी जो एज है वो एक्स है. उसमें एक्स में 5 ऐड करें और उसको ट्रिपल कर दें तो उसकी उम्र जो है वो 84 इयर्स बन रही है. यानी उसकी 5 इयर्स उसमें ऐड किए हमने, 5 इयर्स आर एडेड, एक्स में 5 को ऐड किए एंड दैट एज इज ट्रिपल्ड और उसको ट्रिपल कर दिए तो वो ही विल बी 84 के बराबर बन रही है उसके बाद. तो हमने प्रेजेंट एज निकालनी है इसकी. These के साथ multiply हो रहा है, उस तरफ जाके divide हो जाएगा. x plus 5 is equal to 84 divided by 3. ये बन जाएगा x plus 5 is equal to 28. 5 इधर plus हो रही है, उस तरफ जाएगा तो minus हो जाएगा. 28 minus 5 x is equal to 23. यानी अभी उसकी उम्र 23 years है, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोप फैक्ट्री हैज 30 पैकर्स, ईच पैकर कैन लोड 1/8 ऑफ अ बॉक्स इन 9 मिनट. हाउ मेनी बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन 1.5 आवर्स बाय ऑल 30 पैकर्स. एक सोप फैक्ट्री है जिसमें 30 पैकर्स हैं और हर एक पैकर जो है वो 1/8 ऑफ अ बॉक्स 9 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं. हमें ये बताना है कि अगर 30 पैकर्स 1.5 आवर्स काम करें तो कितने बॉक्सेस पैक होंगे. 28, 37.5, 35 या 35.5. सबसे पहले एक वर्कर जो है 1/8 बॉक्स पैक करते हैं 9 मिनट्स में तो 30 पैकर्स होंगे. ये कितने करेंगे, ये हो जाएगा 30/8. 30 पैकर्स करें तो 9 मिनट में 30/8 बॉक्सेस को पैक करेंगे. वन एंड हाफ आवर्स में 90 मिनट्स होते हैं. वन एंड हाफ आवर्स में 90 मिनट्स होते हैं तो 9 मिनट्स में अगर 30/8 कर रहा है तो 90 मिनट्स में कितना करेगा. तो इसको 30/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ. 9 मिनट्स में इतने कर रहे हैं, 90 को 9 की डिवाइड करेंगे 10, यानी 10 टाइम इसको मल्टीप्लाई करने हैं 30/8 के साथ. तो ये 300 डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा. इसको मजीद हल करेंगे 37.5 बन जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 36 and the larger is 3 times as larger as the smaller, what is larger number. ये कह रहे हैं कि अगर दो नंबर का सम 36 के बराबर है और जो larger number है वो 3 times greater है smaller number से, तो हमें ये बताने कि larger number क्या है. 27, 30, 15, 18. हम let करते हैं जो smaller number है वो x है, तो जो larger number हो जाएगा वो 3x है. ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो सम है वो 36 के इक्वल है, यानी x plus 3x दोनों को हम ऐड करें तो ये 36 के बराबर है.
इनको आपस में ऐड करेंगे, x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 36, फोर मल्टीप्लाई और उसका जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 4, ये 9 आ गया, यानी जो स्मॉलर वैल्यू है वो 9 है, ये स्मॉलर वैल्यू 9 है, तो लाजिम इसके 3x है, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 3 27, तो जो लाजिम नंबर है वो 27 है। अगर हम इन दोनों को आपस में दोबारा ऐड भी करें 27 प्लस 9 तो ये 36 ही बन गया, यानी हमारा जो ग्रेटर नंबर है वो 27 जो कि स्मॉलर नंबर से 3 टाइम्स ग्रेटर है, जिसका ऑप्शन ए हमारे पास आंसर हो जाएगा।